मंगलवार को नारनौद के गांव खेड़ी चोपटा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस उम्मीदवार बलजीत सिहाग के समर्थन में रैली की। रैली में संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भाजपा सरकार ने झूठे वादे किए हैं और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा है। कभी भी आंदोलनों के अंदर किसी की हत्या नहीं हुई थी, लेकिन भाजपा की सरकार में 80 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जाट आंदोलन पर बोलते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इन्होंने प्रकाश सिंह कमेटी बिठाई, लेकिन उसकी रिपोर्ट आने के बाद भी इन्होंने रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की, बल्कि रिपोर्ट को दबा दिया गया, क्योंकि रिपोर्ट इसलिए नहीं प्रकाशित की, उसमें सरकार दोषी थी। बहुत जबरदस्त कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है, बड़ा भारी जोश है लोगों में, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत से। 75 पार की बात आप भी सरकार कर रही है? 75 पार कर दिया, इन्होंने प्याज कर दिया, टमाटर कर दिया, डॉलर कर दिया, डीजल और पेट्रोल कर दिया। सीट तो इसकी कितनी आएगी हरियाणा के लोगों ने फैसला करना है। अर्थ प्रकाश के लिए नारनौद से नवीन दलाल की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।